नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, राजधानी भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर वीरेंद्र खटीक द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रहा है। इन दलों ने एक दिन भी लोकसभा की कार्यवाही को सामान्य रूप से नहीं चलने दिया। जनहित के मुद्दों और चर्चाओं में रुकावट डालने की पुरजोर कोशिश की। विपक्षी दल अपने दायित्वों से पीछे हटकर केवल शोर शराबे को अपने अधिकार मान रहे हैं। संसद में नए मंत्रियों का परिचय कराने की परंपरा रही है, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में नए सदस्यों का परिचय कराना, लेकिन विपक्ष ने इस संसदीय परंपरा का अपमान करते हुए नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने दिया। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये के चलते हुआ है जन आशीर्वाद यात्राओं को निर्णय। केंद्रीय वीरेंद्र खटीक ने कहा कि हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी के मंत्रियों की संख्या 23 हो गई है। अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति के 8 और 11 महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन विपक्ष ने जब संसद में इन दलित, पिछड़े और महिला मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्री जनता के बीच जाएं और जनता का आशीर्वाद लें। हमारे भोपाल में संभवतः ये मेरी पूरे राजनीतिक जीवन में पहली प्रेस वार्ता है। मैं अपने सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की ये जन आशीर्वाद यात्रा जो नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों को दायित्व दिया गया, वह सभी अपने अपने प्रदेशों में इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर और इसके साथ ही साथ उस स्थान के कोई हमारे शहीद सैनिक परिवार हैं उनके बीच में भी, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, कोई वरिष्ठ साहित्यकार है और भी हमारे जो इस तरह के प्रमुख परिवार हैं, उन परिवारों में जहां जाकर उनसे आशीर्वाद लेना, धर्मगुरुओं से जाकर आशीर्वाद लेना, ये मंत्रियों के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग क्यों जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी लोकसभा का जो सत्र चला, वर्षाकालीन सत्र में आप सभी ने देखा, विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना पूर्ण व्यवहार करते हुए, आचरण करते हुए एक भी दिन लोकसभा को चलने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्रिमंडल में जो नए मंत्रियों को दायित्व दिया गया था, ये लोकतंत्र के इतिहास में परंपरा रही है कि जब नए मंत्रियों को दायित्व दिया जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले उन सभी का लोकसभा में परिचय कराया जाता है, फिर राज्यसभा में परिचय कराया जाता है। लेकिन जब लोकसभा में परिचय कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी उठकर खड़े हुए और उन्होंने जैसे ही परिचय प्रारंभ करने की बात कही, विपक्ष के द्वारा इतनी व्यापक मात्रा में वहां पर शोर शराबा किया गया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर महोदय जी को अनुरोध करते हुए कि फिर राज्यसभा में परिचय कराया जाता है। लेकिन जब लोकसभा में परिचय कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी उठकर खड़े हुए और उन्होंने जैसे ही परिचय प्रारंभ करने की बात कही, विपक्ष के द्वारा इतनी व्यापक मात्रा में वहां पर शोर शराबा किया गया, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर महोदय जी को अनुरोध करते हुए कि हम अपने मंत्रिमंडल के साथियों का सूची हम सभा के पटल पर रखते हैं। ऐसा ही आचरण और व्यवहार राज्यसभा के अंदर भी किया गया और इसलिए यह तय हुआ कि जिस तरह से विपक्ष ने शोर शराबा करके
इस बार के केंद्र की सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री बनाए गए, 12 अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री बनाए गए, 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाए गए, 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया। सब वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर काम करने का जो अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम इन ऐसे सारे मंत्रियों का परिचय सदन के माध्यम से सारे देश की जनता को उनका परिचय और के साथ ही साथ उनके दायित्व जो दिया गया है, विभाग दिया गया है, उसकी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में यह काम नहीं करने दिया गया, तब केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि यह सारे के सारे मंत्री जनता के बीच में जाकर के विपक्ष नहीं चाहता था कि ओबीसी सांसदों का परिचय करा के जनता के सामने संदेश को पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों का परिचय कराकर उनकी उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में देश जान सके, या हमारी जो 11 बहनों को मंत्री बनाया गया, जो दायित्व दिया गया, उसकी जानकारी लोगों तक। जो लोकसभा में पारित हुआ था, मैं रात में देर से लौटा, मेरे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य ओबीसी वर्ग के लिए किया है, इसको लोकसभा में तो आप लोगों ने पारित करा लिया, इसको राज्यसभा में भी पारित कराकर इसकी पूर्णता पर पहुंचाने का काम किया। मैंने कहा विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से आपके साथ में है और राज्यसभा में भी इसको पारित कराया जाए। हम देखते हैं क्या आदरणीय खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।